मित्रों नमस्कार। शर्मा की ट्यूटोरियल अवश्य में आपका स्वागत है। आज प्रोज प्रॉप फीचर में आज मैं जोसेफ एडिसन की निबंध सर राजर एट चर्च की व्याख्या करूंगा। मित्रों ये फ्री वीडियो पूर्णतः शैक्षणिक है तथा मेरा प्रयास वीडियो द्वारा दर्शकों को अंग्रेजी सिखाना तथा उनके शब्दकोश की वृद्धि करना है। ये निबंध विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। इस वीडियो से दर्शकों को आनंद की अनुभूति होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के दर्शकों को अंग्रेजी सीखने भी मिलेगी। दर्शकों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें शैक्षणिक वीडियो की जानकारी मिल सके। जोसेफ एडिसन जो निबंध के लेखक हैं रविवार के दिन गांव में रहना पसंद करते थे। क्योंकि गांव का वातावरण शांतिमय होता था और लोग पूर्ण भक्ति से चर्च जाना पसंद करते थे। लोग विभिन्न रंगीन पोशाकों में ईश्वर की पूजा एवं प्रार्थना करने के लिए चर्च में इकट्ठे होते थे। इस संदर्भ में यीशु मसीह की पूजा एवं प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते थे समझा जाए। चर्च में एकत्रित होकर वे एक दूसरे से विभिन्न विषयों एवं पारिवारिक समस्याओं पर विचार विमर्श भी करते थे। वे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते थे। वे खुश मिजाज रहते थे और ईश्वर की प्रार्थना करते थे और भजन गाते थे। इस तरह लोग रविवार के दिन विभिन्न विषयों की चर्चा कर उनके दिमाग की परेशानी और बुरे विचार को दूर रखते थे। संक्षेप में चर्च में गांव के लोगों में सामाजिक बंधुत्व की भावना विकसित हो रही थी और वे सुसंस्कृत एवं सभ्य हो रहे थे। यहाँ तक कि एक गांव वाला चर्च की राजनीति की चर्चा या तो प्रवचन के बाद करता था या चर्च की घंटी बजने के पहले चर्च की राजनीति की चर्चा होती थी। जोसेफ एडिसन के मित्र सर राजर थे जो चर्च की दीवार में बाइबिल के वचन लिखकर सजाते थे। सर राजर ने देखा कि उनकी भूमि में रहने वाले किराएदार अनियमित रूप से चर्च जाते थे तो उनने उन सबको एक छोटी दरी प्रार्थना करने के लिए भेंट में दे दी थी जिससे वे नियमित रूप में चर्च में प्रार्थना के लिए जाने लग गए थे। सर राजर ने कम्युनियन मेज के लिए भी एक कपड़ा खरीदा था। वे गांव वालों को प्रार्थना की पुस्तकें भी वितरित करते थे। उन्होंने एक प्रशिक्षक को नियुक्त कर दिया था जो कि लोगों को भजन कैसे गाएं निर्देश देता था। सर राजर ये भी देखते थे कि प्रवचन के दौरान कोई व्यक्ति सो तो नहीं रहा है। यदि कोई सोता था तो वो नौकर भेजकर उसको जगा देते थे। सर राजर सभा में एकत्रित लोगों की भजन गाने की समाप्ति के बाद भी एक या आधा मिनट देर तक भजन गाते थे और तीन चार बार आमीन कहते थे या एवमस्तु या तथास्तु कहते थे। सर राजर प्रार्थना सभा में खड़े होकर श्रद्धालुओं की गिनती करते थे जब वे घुटने के बल बैठे रहते थे। ये पता करते थे कि उनका कौन किराएदार या मुलाजिम अनुपस्थित है। एक बार उन्होंने जान मिथ्यू को चेतावनी दी कि वो प्रार्थना सभा में व्यवधान न करे। प्रवचन के बाद सर्वप्रथम सर राजर चर्च के बाहर जाते थे। यहाँ तक उनके किराएदार और अन्य लोग उनको अभिवादन करके पंक्ति में चर्च के बाहर जाते थे। सर राजर गांव के युवकों या लड़कों को बाइबिल भेंट में देते थे और जो प्रश्नों का सही उत्तर देता था वे लड़कों को शुअर के मांस का टुकड़ा या बेकन भी देते थे जो वे उनकी माताओं को दे सके। वे चर्च की लिपकी सेवा के लिए 5 पाउंड भी दान प्रतिवर्ष देते थे। चूँकि लिपिक बूढ़ा हो गया था और नए लिपिक की नियुक्ति प्रतिभा के आधार पर करने वाले थे। पादरी और सर राजर की सूझबूझ और आपसी समझदारी से चर्च का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था जबकि पास के दूसरे गांव के चर्च के कार्य में व्यवधान था।
पादरी और सम्राट परिवार के धनिक आपस में कलह या विवाद करते रहते थे। ये सब दूसरे गांव के चर्च में हो रहा था। पादरी और धनिक व्यक्ति को प्रवचन देता था तो क्रोधित धनिक व्यक्ति पादरी से बदला लेना चाहता था। वो गांव वालों को नास्तिक बना रहा था, यहाँ तक वो गांव वालों को दान न देने के लिए कहता था। यहाँ पर टीथ स्टीलर का उपयोग हुआ है, जिसका मतलब है कि आय का दसवां भाग चर्च में दान देना चाहिए, परंतु गांव वाले अपनी आय छुपाकर दान की भी चोरी करते थे या कम दान देते थे। यहाँ तक कि क्रोधित धनिक व्यक्ति पास के गांव वाले चर्च में 6 माह तक अनुपस्थित रहा और उसने घर में भी यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं की या भगवान की प्रार्थना नहीं की। तब पादरी ने उसे कदाचरण पर धमकी दी कि वो लोगों को नास्तिक बना रहा है और वो टीथ स्टीलर है। सामान्यतः झगड़े या विवाद यदि पादरी और धनिक लोगों में हो तो वो प्रार्थना सभा में विपरीत प्रभाव देता है या लोग नास्तिक होते हैं। चर्च और प्रार्थना सभा में धार्मिक वातावरण और नैतिकता होनी चाहिए, जैसा सर राजर ने उनके गांव के चर्च में संभाल कर रखी थी या निर्वाह किया था। इस प्रकार सर राजर दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं, ताकि इस चर्च में इस प्रकार का ही प्रबंध किया जाए। ओके फ्रेंड्स, नाउ इंग्लिश डिस्कशन। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इन शर्मा फ्री ट्यूटोरियल आवर्स आई वेलकम यू इन फीचर प्रोज़प्रॉप। आई विल डिस्कस द एसे सर रॉजर एट चर्च, रिटन बाय जोसेफ एडिसन। द पर्पस ऑफ द वीडियो इज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ व्यूअर्स। Both viewers of English and Hindi mediums will be benefited as this essay is prescribed for curricular study by universities. Please subscribe my channel for free tutorial videos. Now, commentary. Joseph Addison liked to pass time on Sunday in village but not in city or big town. As the atmosphere in village is peaceful and people like to go to church with full devotion. People wore colorful dresses and gathered in the church on Sunday to worship or pray to God. Even they shared their family affairs with each other and discussed different subjects. They were in cheerful moods and clean clothes, and finally they prayed to God and sang psalms. Thus on Sunday, they clean the rest or ill ideas and tension of a week and refresh their minds. In short, socialism and fraternity promoted to make villagers more cultured and civilized. Even a villager generally discussed the politics in church after the sermon or before the bell rang. Now, Sir Roger was a good friend of writer Joseph Addison, who time to time beautified the church with several quotations from Bible. He found that his tenants of the estate were irregular churchgoers, so he distributed hassocks or mats to them to pray and kneel down at the time of prayer in church. Thus they became regular churchgoers. Even he spent money in purchasing a pulpit cloth and railed in the communion table. He also distributed the prayer books to villagers. He also employed a singing master to sing the psalms and prayers, who instructed the villagers to sing the psalms in the right tunes and rhythm and rhymes. All the hymns we are taught properly to sing. Even he observed that no duty would take nap or sleep during sermon or religious discourse. He sent his servant to wake the sleepy or drowsy villagers in church. Sometimes Sir Roger sang psalms for half a minute that the congregation finished singing. So Sir Roger
took half a minute long time after finishing singing of psalm by the congregation here. Even the he pronounced three or four times Amen to the same prayer. Sir Roger also was that anybody was missing from the prayer. He stood there and counted his tenants when they were upon their knees. One Sir Roger called out to one John Matthew and warned him not to disturb during church service the congregation. After sermon, first Sir Roger went out of the church, then others are his tenants in rows. Even they bowed before him or paid respect. Sir Roger distributed copies of Bible as prize to the boys of the village who answered well during the catechism. Catechism means the question answers quiz. Ever he distributed pieces of bacon to the boys for their mothers. Even he donated £5 a year to the clerk of the church. Further, appointment of the clerk to the church service would be done on merit basis, that he declared. There was a mutual understanding between Sir Roger and the priest of the church, and church service was exercised in peaceful atmosphere, whereas there was confrontation between the parson and the squire in the church of nearby village. They remained in the state of war. Parson, priest, the squire, and angry squire, or rich men of village, wanted to take revenge on the priest. So squire made all the villagers atheists and teeth stealers. The squire of that village did not pray to God in church or at home for half a year, so priest threatened the squire for his misconduct, that he was not attending the church and making his tenants atheists and teeth stealers. The said laws, Joseph Addison concludes, the squires are hostilities between rich persons or squires and parsons or churchmen created adverse effect on the congregation, as it happened usually. There should be harmonious relation to maintain a religious atmosphere and morality, as Sir Roger maintained in his village. So Sir Roger thus became the role model of the squire for all other churches. So friends, now this English discussion finished. Now we have to discuss some verse notes. Now the first word is here, institution, I-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N, means society established for some object, Hindi mein sansta. Then degenerate, D-E-G-E-N-A-R-A-T-E, degenerate, means to grow worse, patan hona bigadna. Then savager, savages, means uncivilized, cruel, wild, out of temper, asabhi jangli. Then barbarians, B-A-R-B-A-R-I-A-N-S, barbarians, means uncivilized or savage, ashab, barbar, ya jangli. Then adoration, A-D-O-R-A-T-I-O-N, adoration, means worship, the act of praying, honor, ya puja, Hindi. Then supreme being, S-U-P-R-E-M-E, supreme, B-E-I-N-G, supreme being, means God, Ishwar, ya Paramatma. Then Paris, P-A-R-I-S-H, Paris, politics, P-O-L-I-T-I-C-S, means political influence of the Catholic priest, matlab padriyon ka rutba, or prabhav, church mein. Uske baad mein, sermon, S-E-R-M-O-N, sermon. Sermon means lecture or talk by clergy or discourse, pravachan, Hindi mein. Then estate, E-S-T-A-T-E, estate, means a large area owned by a family, means jagir ya sampati. Then
parishioners, P-A-R-I-S-H-I-O-N-E-R-S, parishioners, means an inhabitant of a particular church, church में रहने वाला या परगने या एक विशेष क्षेत्र में रहने वाला, इनको भी parishioners कहते हैं, पर in this context से church में रहने वाले लोग. Then hasho, H-A-H-O-C-K, hasho, means a cushion for kneeling on in church. तो घुटने के बल टेक कर प्रार्थना करने के लिए चटाई या गद्दी है, उसको हेशो कहते हैं. देन इटिनरेंट, I-T-I-N-E-R-A-N-T, इटिनरेंट मीन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला. देन साम्स, P-S-A-L-M-S, साम्स मीन्स ए सेक्रेड सॉन्ग ऑल हाइमीन इन बाइबिल, बाइबिल के भजन. देन congregation, C-O-N-G-R-E-G-A-T-I-O-N, congregation means assembly of persons, assembly of persons, sabha ya prarthna ke liye ya jo log wahan ikhatte hote hain, prarthna sabha. Then an epinap, nap means a short period of sleep, chapakna ya thoda sona. Then occasion, O-C-C-A-S-I-O-N, occasion means a particular time ya avsar. Then lengthening, L-E-N-G-T-H-E-N-I-N-G, lengthening means the process of making lengthy, कोई चीज लंबा करना या ज्यादा समय लेना, निर्धारित समय से ज्यादा समय लेना. Then devotion, D-E-V-O-T-I-O-N, devotion means profound dedication or religious worship or loyalty and love or care for someone, या इसको अपन भक्ति भाव बोल देंगे हिंदी में. Then amen, A-M-E-N, amen, so it is so, so be it, हिंदी में ईश्वर ऐसा करे ऐसा हो, तथास्तु या एवमस्तु जो कहते हैं. इसके बाद में exerted, E-X-E-R-T-E-D, exerted means to put forth or into use as power, मतलब खींचना, exerted. Then worthiness, W-O-R-T-H-I-N-E-S-S, worthiness means having adequate or great merit, character or value, इसका मतलब होगा योग्यता या पात्रता. उसके बाद में file, F-O-I-L, file, file means frustrated, F-R-U-S-T-R-A-T, frustrated, or to prevent from attaining to an end or defeat, निराश या हतोत्साहित होना. और सिर्फ फाइल पतली पन्नी भी कहती है वो अलग है, पर यहाँ पे फाइल हतोत्साहित करना है, निराश होने से मतलब है, फ्रस्ट्रेट होने से. देन ब्लेमिश, B-L-E-M-I-S-H, ब्लेमिश मीन्स टू डिस्ट्रॉय, डिस्टिंग्विश द परफेक्शन, दोष या कलंक, ब्लेमिश. इसके बाद में स्टीर, S-T-I-R, स्टीर मीन्स टू मूव वंस हैंड आर एन इम्प्लीमेंट टू मिक्स लिक्विड, या द्रव को मिलाना या हाथ हिलाना, हिलना, इसको स्टीर कहेंगे. देन चांसेल, C-H-A-N-C-E-L, चांसेल मीन्स स्पेस अराउंड द आल्टर एंड कोयर इन चर्च, यानी चर्च की वेदी. उसके बाद में रिप्राइमेंट, R-E-P-R-I-M-A-N-D, रिप्राइमेंट मीन्स डिसअप्रूवल, रिबुक, या इसको हिंदी में डांटना कहेंगे. देन चैपलेन, C-H-A-P-L-A-I-N, चैपलेन मीन्स ए क्लर्जी मैन इन चर्च ऑफ ए चैपल, या पादरी. इसके बाद में कैटेकिज्म, C-A-T-E-C-H-I-S-I-N-G, कैटेकिज्म, कैटेकिज्म, सॉरी, कैटेकिज्म डे, कैटेकिज्म डे मीन्स डे टू इंस्ट्रक्ट ओरली बाय क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्न उत्तर द्वारा यानी वो देना, इंक्वायरी करना या प्रश्न उत्तर पूछना. उसके बाद में प्लीज, F-L-I-T-C-H, प्लीज मीन्स द साइड ऑफ ए हॉग साल्टेड एंड क्योर, आर ए स्लेब ऑफ टिम्बर, इसको हिंदी में बोलेंगे एक मांस का टुकड़ा, जनरली शुअर के पेट के मांस का या लकड़ी के एक टुकड़े को भी प्लीज कहते हैं. उसके बाद में बेकन, B-A-C-O-N, बेकन, बेकन मतलब साल्ट क्योर पोर फ्रॉम पिक्स बेली, शुअर का मांस. इसके बाद में जो कि नमकीन है, बेकन. देन बिस्टो, B-S-T-O-W, बिस्टो मीन्स कन्फर आर प्रेजेंट, प्रदान करना, बिस्टो मीन्स प्रदान करना. देन कनकरेंस, C-O-N-C-U-R-R-E-N-C, कनकरेंस मीन्स एग्रीमेंट आर यूनियन इन एक्शन, मतलब सहमति, लोगों की सहमति से कोई घटना कनकरेंस साथ हो रही है ना, जो प्रतियोगिता उसको बोलेंगे कनकरेंस, एक साथ होना, करेंट होना. देन कंटेंशन, C-O-N-T-E-N-T-I-O-N, कंटेंशन मीन्स डिसएग्रीमेंट या विवाद. उसके बाद में पार्सन, P-A-R-S-O-N, पार्सन, पार्सन मीन्स ए प्रीस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट पेरिश चर्च, यानी एक पादरी. उसके बाद में स्क्वायर, S-Q-U-I-R-E, स्क्वायर मीन्स जेंटलमैन नेक्स्ट इन रैंक टू नाइट,
या इसको सामंत या जमींदार कहेंगे। उसी प्रकार से पी ए आर आई एस एच आई ओ एन आर पारिशिनर मीन्स मेंबर ऑफ पारिश, उपचेत या परगने का निवासी भी कहलाता है या चर्च का में रहने वाला या पादरी भी कहते हैं इसको। इसके बाद में रिवेंज आर ई वी एन जी रिवेंज मीन्स टू रिटर्न इंजुरी फॉर इंजुरी प्रतिशोध या बदला। उसके बाद में एथिस्ट ए टी एच ई आई एस टी एथिस्ट मीन्स डिसबिलीवर इन गॉड मीन्स नास्ती। उसके बाद में टीथ स्टीलर टी आई टी एच ई टीथ एस टी ई ए एल ई आर एस टीथ स्टीलर मीन्स 10th पार्ट ऑफ इनकम फॉर डोनेशन इन चर्च रिड्यूस आर स्टोलन यानी आय के 10वां भाग जो चर्च में दान देने के लिए है उसको चुरा लेना या उससे कम दान देना। इसके बाद में इंसिन्यूएट आई एन एस आई एन यू ए टी इंसिन्यूएट मीन्स टू इंट्रोड्यूस इन फेवर धीरे धीरे मतलब साधना। इसके बाद में पेट्रोन पी ए टी आर ओ एन पेट्रोन मीन्स वन हु प्रोटेक्ट्स एंड फेवर्स पेट्रोन मतलब संरक्षण। इसके बाद में एक्सट्रीमिटी ई एक्स टी आर ई एम आई टी वाई एक्सट्रीमिटी मीन्स अटमोस्ट लिमिट चरम सीमा। उसके बाद में थिएटन टी एच आर ई ए टी ई एन थिएटन मीन्स टू यूज थ्री मीन्स डांटना थिएटन। इसके बाद में एम ई एन डी मैन मैन मीन्स टू सेट राइट टू रिपेयर ठीक करना या सुधारना। देन फ्यूड फ्यूड मीन्स म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बिटवीन टू ट्राइब्स आर फैमिलीज दो प्रजातियों के बीच में कला और इसकी मीनिंग सामंतों की खिदमती यानी फेवर टू स्क्वायर आर नाइट आल्सो आर लैंडलॉर्ड फेवर टू लैंडलॉर्ड आर टू फॉलो द कमांड ऑफ लैंडलॉर्ड इस मीनिंग इज आल्सो दिस। देन फेटल एफ ए टी एल फेटल मीन्स कॉजिंग डेथ घातक। देन डेजल डी ए डबल जेड एल ई डी डेजल मीन्स ओवर पावर्ड साइट चौंधियाना। इसके बाद एनोटेशन ए डबल एन ओ टी ए टी आई ओ एन एनोटेशन मीन्स नोट्स आर कमेंट टीका भाष या टिप्पणी। मित्रों हिंदी व्यूवर्स के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ देखिएगा। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था डिजनरेट मीन्स पतन होना बिगड़ना सेवेजेस मीन्स असभ्य जंगली बारबेरियंस मीन्स असभ्य बर्बर एडोरेशन मतलब पूजा सुप्रीम बीइंग मीन्स ईश्वर परमात्मा है ना और पारिश पॉलिटिक्स मीन्स पादरी का प्रभाव सरमन सरमन मीन्स प्रवचन एस्टेट मीन्स जागीर फिर पारिशनर्स मीन्स चर्च के लोग या उपक्षेत्र का निवासी फिर फेटल मतलब घातक फिर देखिए हेशोक एच ए डबल एस ओ सी के हेशोक मीन्स घुटने टेकने के लिए जो चटाई प्रार्थना करने के समय फिर आपका इटिनरेंट आई टी आई एन ई आर एंट इटिनरेंट मीन्स चलने वाला फिर साम्स एस ए एल एम एस साम्स मीन्स भजन फिर कंग्रीगेशन मीन्स सभा धार्मिक पूजा के लिए जो सभा है फिर नेप मतलब झपकी लेना फिर अकेजन मतलब अवसर फिर लेंथनिंग मीन्स लंबा करना फिर डिवोशन मतलब भक्ति भाव फिर आमीन ए एम ई एन आमीन मीन्स ईश्वर करे ऐसा हो एव मस्तु। देन एग्जर्टेड मतलब खींचना देन वर्दीनेस मीन्स योग्यता या पात्रता फिर डीजल मीन्स चौनियाना। इसके बाद में नेक्स्ट पेज देखिएगा। नेक्स्ट पेज में एफ वाई एल फॉइल मीन्स निराशा हतोत्साहित करना फिर इसके बाद में ब्लेमिस बी एल ई एम आई एस एच ब्लेमिस मतलब दोष या क्लंग फिर स्टीर एस टी आई आर स्टीर मीन्स हिलाना फिर सी एच एन सी एल चैंसल मीन्स वेदी फिर रिप्राइमेंट आर ई पी आर आई एम ई एन रिप्राइमेंट डांटना फिर चेपलेन मीन्स पादरी सी एच ए पी एल ए आई एन चेपलेन मीन्स पादरी फिर आपका वर्ड है व्हाट इज दिस कैट कैचिंग डे सी ए टी सी एच आई एन जी कैट कैचिंग डे मीन्स प्रश्न उत्तर पूछने वाला दिन
फिर फ्लीच FLITCH, फ्लीच मीन्स लकड़ी का टुकड़ा या शुअर के मांस का टुकड़ा, फिर बेकन मीन्स शुअर का नमक लगा मांस, फिर बिस्टो BESTOW, बिस्टो मीन्स प्रदान करना, फिर कंकरेंस मीन्स सहमति से स्थिति एक स्थिति होना या घटना होना, फिर एनोट आपका एनोटेशन AOOTATI एनोटेशन मीन्स टीका टिप्पणी आदि। इसके बाद में आप ये देखिए नेक्स्ट लास्ट पेज है कंटेंशन CONTENTION कंटेंशन मीन्स विवाद, फिर आपका आपका वर्ड है पार्सन PARSON पार्सन मतलब पादरी, फिर SQUIR स्क्वायर मीन्स सामान जमींदार, फिर RUVENGE रिवेंज मीन्स प्रतिशोध, फिर एथिस्ट ATHEIST एथिस्ट मीन्स नास्तिक, फिर टीथ स्टीलर मीन्स आय के दसवें भाग को दान में ना देना या कम देना, फिर इंसिनुएट INSINUATE इंसिनुएट मीन्स धीरे धीरे मतलब साधना, फिर पेट्रोन मीन्स संरक्षक, फिर एक्सट्रीमिटी मीन्स चरम सीमा, उसके बाद में थ्रेटन मतलब धमकाना, देन मेंड MEND मीन्स ठीक करना, फिर FEUDIFUTE मीन्स सामंत की खिदमती करना, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। तो फ्रेंड्स ये हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दी और अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं जो मैं यहाँ आपको बतलाने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड सर रॉजर लाइक, आंसर वन सर रॉजर लाइक टू पास हिज टाइम इन चर्च सर्विस ऑन संडे इन हिज विलेज। देन सेकंड क्वेश्चन हाउ डिड पीपल गैदर इन चर्च ऑन संडे, आंसर People gathered in church on Sunday in colorful dresses and in cheerful mood. Then, question third, what was the effect on people in church on Sunday? So, answer third, people refreshed their moods and removed the rush, selfishness and tension or boredom of the week. Then, next question, question number four, what is discussed in the church? So, answer, before sermon and after sermon, the people discuss the teachings of the parson or priest and they talk about their position and power freely there. Then, question number five, how the church was beautified? So, answer number five, Sir Roger wrote, the selected quotations from the Bible on the walls of the church and beautified it. Then question number six, what was covered in church? So answer six, Sir Roger purchased a pulpit cloth and covered the altar, fencing it and railed in the communion table. Then question number seven, what were presented to parishioners? PARISSIONERS parishioners of Sir Roger's estate. Parishioners means tenant, client, you may say. So answer 7. Sir Roger presented his tenants, hedgehogs and common prayer books. Then question number 8. Who employed itinerant singing master? Answer 8. Sir Roger employed an itinerant singing master who visited various churches to give instructions to the people how to sing a psalms in proper tune. Then question number 9, how did people wake during sermon? So answer number 9, Sir Roger kept vigil on the persons in church. If any man slept or took a nap, then he stood and looked about him to wake him, or he sent an attendant to wake the
drowsy man during sermon or discourse. Then question number 10. How did Sir Roger sing a psalms? Answer 10. Sir Roger sang a psalms usually 1 or half minute extra time when the congregation finished the singing of the psalm. Even he pronounced 3 or 4 times Amen to the same prayer. Then question number 11. How did Sir Roger count the persons present in prayer? Answer number 11. Sir Roger stood up during prayer and counted his tenants when they were upon their knees. He wanted to know whether any tenant or parishion of his congregation was missing. Then question number 12. How did Sir Roger inquire after sermon? Answer 12. Sir Roger stood after sermon and walked in the chancel between a double row of his tenants. They stood and bowed him. Then he asked or inquired about one's wife or mother or son or father, etc. Then question number 13. What was presented or gifted on a catechizing day? So answer 13. Sir Roger presented or gifted a copy of Bible and a piece of bacon to the boy who gave correct answer on a catechizing day. Then question number 14. How did the squire revenge on the parson in church of a nearby village? Answer 14. The squire did not attend the church for 6 months and he also not perform prayer in the church and at home also. He made his tenants atheist and instructed them to steal the teeth or not to donate the amount that was the 10th part of income, but less than that he made them teeth stealer. So in this way they were made teeth stealer, means tenants of a nearby church, tenants of a square of the nearby church here. Now question number 15. What is the didactic note? What is the didactic note? So answer 15. Sir Roger is a model patron of his congregation and maintain a cordial relation between parson and his tenants. Here is a message to other squires to maintain good relation with the clergymen of their church. Quarrels or confrontations between the squires and priests carry a wrong message to the congregation and they are diverted and not do prayer with full devotion. So adoration in church should be done in full devotion and religious activities and morality might be developed and promoted in peaceful atmosphere. So Sir Roger is a role model for all the squires of other villages or churches. So friends, now discussion over. So please subscribe me for next video, next tutorial video, and good day.